हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पोर्ट पे। फ्रेंड्स, स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गिरावट के क्या रीज़न हैं पूरी डिटेल से समझेंगे, और आने वाले टाइम के लिए क्या इसके सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके टारगेट रहेंगे वो भी समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम गिरावट के रीजन समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे 2 मई को, और कुछ खास हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। तो पहला रीजन तो हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा रीजन था कि अडानी ग्रुप की कंपनीज पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे थे, उनमें से अडानी पोर्ट एक है, जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। थर्ड है कि भाई स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं और स्टॉक की पीई भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो एक डीप आने के चांस यहाँ पे बने हुए हैं। आप यहाँ पे देखोगे, वीकली चार्ट मैंने ओपन कर दिया, तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए, तो डीप भाई रिटर्न के बाद आता ही है, तो एक ये रीजन है। अब जानते हैं कि अब कैसा मोमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई फिलहाल आज जो इसने दिखाई है, हमारे जो सपोर्ट था वहीं से रिकवरी इसने दिखाई है, तो हो सकता है कि कल भी अगर गिरावट देखने को मिली तो इस पे सपोर्ट ये दिखा सकता है। प्राइस कितने का है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है 1267 का, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नजर आएगा। ऊपर के लेवल में जो रिस्टेंस रहने वाला है, जो ये लेवल है यहाँ पे आप देखोगे, ये लेवल है 1352 का, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर ये इसका हाई 52 वीक का ही है, जो 1424 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक में आपको दबाव देखने को मिल सकता है, जो कि रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसे ही पॉजिटिव अपडेट आपको आती हुई नज़र आएगी तो स्टॉक में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सेकंड होने वाला है 1202 का, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे ये और ये लेवल जो कि इम्पोर्टेंट है, तो 1208 का। उसके बाद अगर इसका भी ब्रेकडाउन कर देता है और ये इस लेवल पे पहुँचता है जो कि है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 1110 का, ठीक है। इस लेवल पे अगर यहाँ पे आता है तो कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके आप रख सकते हो। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न ये दे सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनी है, तो अच्छे रिटर्न मिलने के आपके यहाँ पे चांस है। बट कुछ ही क्वांटिटी ऐड करना, ज़्यादा नहीं। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद ही कुछ क्वांटिटी और आपको ऐड करनी है। यहाँ पे फिलहाल जहाँ पे मार्केट है यहाँ पे आपको अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो ऑलरेडी इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं और हाई प्राइस पे है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो ये लेवल पे यहाँ तक ही जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनालाइज। आपका क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है। मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप इस स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।